ये मेरे भाभी ने आज बनाए हैं आलू पराठे। ये मेरा डिनर है इस वक्त का, आलू पराठे। आप इसको चार पराठे भी कह सकते हो क्योंकि डबल डबल है। ये साथ में इमली वगैरह की चटनी है और ये साथ में चाय है। और अभी मैं इसको मज़े मज़े से खाऊंगी। पहले मैं ज़रा एक नवाला ले लूँ कैसा है। गर्म है बहुत ज्यादा। लाजवाब। बाहर सख्त सर्दी है, धुंध छाई हुई है, तो मैंने भाभी से कहा कि आम सालन वगैरह खाने को तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। तो उसने कहा क्या बनाओ। मैंने कहा या आलू के पराठे बनाओ या फिर कढ़ी बनाओ, कढ़ी पकौड़ा, क्योंकि कढ़ी पकौड़ा मेरा फेवरेट है। फिर उसने कहा चलें कढ़ी पकौड़ा कल बनवा दूंगी और अब बोले से पीछू और आलू पराठे भी बना देती हूँ। मैंने कहा चलो ये सही रहेगा। तो ये अभी साथ में इमली वगैरह की चटनी है। बहुत ही टेस्ट, बहुत। सख्त गर्म है। टेस्टी। सर्दी में आलू पराठे इमली की चटनी के साथ मजे ही कुछ और है। और साथ में फिर गरम गरम चाय और पराठे में मेरी फरमाइश पर, मतलब बाकी घर वाले नहीं क्योंकि अम्मी वगैरह नहीं खा सकती, लेकिन मेरी फरमाइश पर बाबी ने अच्छा खासा मिर्चे भी डाली क्योंकि मैंने उसे कहा ज्यादा मिर्चे डाल लेना। मजा आ गया। आप भी सर्दी को इस तरह एंजॉय कर सकते हैं जिस तरह मैं कर रही हूं। ये दीवार पे लकीरें जो आपको नजर आ रही है ना, ये मेरी रूम को मेरे भतीजे ने ब्लैक बोर्ड बनाया होता है। अम्मी शोर करती मत करो मत करो, मैंने कहा खेलने दो बच्चे है। मजा आ गया।